जिस तरह से भिवंडी शहर में वाटिका का मामला जो है एक बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा इसकी चर्चा है, उसी को लेकर हमने बात करने की कोशिश की है। तो आज हमारे साथ में जो लोग वाटिका में गए थे उन्हीं में से एक नगर सेवक है, आइए उनसे बात करें। भाई सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पहले तो आप ये नगर सेवक बोलना बंद कीजिए, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं है, हम जो है गटर सेवक है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना सिर्फ मोहल्ले में गटर साफ करवाई है। अच्छा, तो इसके लिए ज्यादातर हमको जो है ना गटर सेवक कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ हम गटर साफ करवाते हैं और कोई काम हमसे होता ही नहीं। अच्छा छोड़िए, इस पे आते कि आप लोग जो है वाटिका क्या करने गए थे? वाटिका दरअसल हम अपना जमीर बेचने के लिए गए थे। हम अपने जमीर का सौदा करने गए थे। और कितने लोग है जो अपने जमीर का सौदा करने गए थे, कितने लोग थे? देखो सब मिला के जो हम लोग 11-12 लोग थे जो अपने जमीर का सौदा करने के लिए गए थे। अच्छा, जमीर का सौदा मतलब क्या? अरे यार ये चीज तो हर किसी को पता है कि इलेक्शन के टाइम हर नेता क्या करता है, ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि 5 रुपए आप लोग बोल रहे थे लेकिन वो होते करते वो डील जो है 3 रुपए में हुई, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखो सौदेबाजी तो 5 रुपए में ही तय हुई थी, लेकिन फिर कुछ बहसबाजी में 3 रुपया किया गया। तो हम लोगों ने कहा कि जब कुछ ना मिलने से अच्छा है कि 3 रुपया तो मिले कम से कम। अच्छा, तो भागते भूत की लंगोटी से ही हमने वो 3 रुपए भी ले लिए। तो जैसे जमीर का सौदा करके जो जो आने वाला था उन पैसों से आप लोग क्या करते? देखो उन पैसों से पहले तो हम लोग ये करते हैं कि कोई मस्जिद में जो है चंदा दे देते हैं। अच्छा। उसके बाद जो है IGM हॉस्पिटल में जाके एक एक पेशेंट को एक एक केला हम गिफ्ट होते हैं। एक एक केला क्यों? बस एक इंसान के लिए केला बस। अच्छा अच्छा, वहां पर गड़बड़ क्या हुई थी वाटिका में जब आप लोग की मीटिंग चल रही थी, गड़बड़ क्या हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि मामा के आदमी कुछ आ गए थे वहां पे। अच्छा। और उन लोगों को देख के जो है हमको कपकपी लग गई थी। अच्छा। और हमारे साथी जो थे वो जब डंडा देखे मामा के हाथ में उनकी तो फट गई। अच्छा, फट गई थी। अच्छा, तो ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोग को जो है पैंट भी चेंज करना पड़ा। सही, तो चेंज करना ही पड़ा। वो मामा के लड़के लोगों को देख के जो है आगे गीला और पीछे पीला हो गया। अरे बाप रे बाप। तो आप लोग जो है वाटिका में गए थे तो क्या सोच कर गए थे, क्या जनता को जो है बेवकूफ बना लोगे, क्या था? देखो कैसा है, बरसों से ये काम होता आ रहा है जनता को बेवकूफ बनाने का काम, और जनता हमारी जो है बहुत भोली भाली है। अच्छा। हाँ, बिना बेवकूफ बनाए वो बने रहती है, समझे? तो हम लोग सोचे इस बार भी जो है जनता को बेवकूफ बनाया जाए, लेकिन इस बार यार दाल नहीं गली, किसी अपने ने आके पतेली पे लात मार दी और पूरी दाल बिखर। अच्छा, वाटिका कांड के बाद मामा क्या बोले, कुछ बात हुई आप लोगों की? देखो मामा जो थे बड़े गुस्से में थे। अच्छा। मामा तो मतलब ऐसे सुनने में आया था कि हम लोगों के पिछवाड़े में जो है गोली मारने वाले। अच्छा। लेकिन हम मक्कारों की जो दुआ थी ना। अच्छा। वो कबूल हो गई और हमारे मामा जीत गए। फिर मामा जीत गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होना क्या था, मामा जीत गए, हम लोग जो है पैर पकड़ लिए मामा के कि मामा छोड़ दो, पकस दो। फिर क्या था, मामा जीत चुके थे, दिल खुश था, कहे जाओ बच्चा कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये वाटिका कांड होने के बाद आप जितने भी लोग थे फिर आप लोगों ने क्या मन बनाया कि आगे मतलब क्या करोगे? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई आगे MLA का इलेक्शन है, जितने ज्यादा उम्मीदवार उतना ज्यादा पैसा, इसके लिए नाच रहे हैं, समझे? फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वहाँ के वाटिका के हमारे साथ में एक गटर सेवक नगर सेवक थे, तो उनसे हमने बात करने की कोशिश की। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये अच्छा लगा आपको तो कमेंट जरूर करना।